तो उसका भुगतान नहीं हुआ है और अपना घोषणा पत्र जिस समय चुनाव लड़ रहा था झारखंड सरकार हेमंत सरकार उस समय घोषणा पत्र में दिया था कृषि लोन माफ़ होगा, लेकिन आज तक कृषि लोन भी हम लोग का माफ़ नहीं हुआ है। खाद बीज के लिए घोषणा अति सरकार लिखती है कि 220 रुपये में खाद दिया जाएगा, अभी 520 रुपये में हम लोग ब्लैक में खाद लेते हैं तब जाके हम लोग खेती करते हैं। अभी धान हम लोग चलिए खेत दिखा देने जोतल है, अभी वहाँ बिचड़ा छिपने के लिए अति नहीं मिला है। तो अभी देखिए बगले में हमारा यहाँ 15 बहुत छोटा किसान हम है, यहाँ 15,000 मेरा कोबी लगल फल कोबी पूरा बारिश में नष्ट हो गया। अभी सरकार कुछ नहीं आया कभी कि आप लोगों को क्या कमी है क्या बेसी है, सरकार पूछती नहीं है, वो अपना मनमानी करती है। सरकार से अपनी बातों को रखे थे हर एक समय हम लोग रखते हैं। अच्छा, अभी जो हम लोग का मोदी सरकार अथी चालू किया था कृषि आशीर्वाद योजना अभी बंद कर दिया है, तो ये सब बहुत सरकार की कमी है। किसान पीस रहा है, सब जगह किसान को ही मारा जा रहा है, सरकार अपना पेट जेब भर रहा है और किसान मर रहा है। धान का भी अथी है, धान का जो धान दिए उसका पैसा नहीं मिला है। इतना धान स्टॉक में है? स्टॉक में हम लोग दे दिए हैं। अच्छा। अगले साल दिए उसका पैसा नहीं अभी तक आया। MSP में आप धान बेचे थे? बेचे थे, इसका भी भुगतान नहीं हुआ। बीज मिला है अभी तक? बीज अभी तक नहीं मिला। कृषि लोन माफी की बात कर, नहीं हुआ, लोन आपने लिया? हमने लिया, माफी नहीं हुआ? नहीं, नहीं हुआ। अप्लाई किया था? अप्लाई किए। देखिए पूरे प्रदेश में सभी मंडलों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसानों के साथ मिलकर के संघर्ष कर रही है। इस खेत के माध्यम से हम इस जन विरोधी जो सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, उसके खिलाफ हम आंदोलन करने का आह्वान कर रहे हैं। और आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि किसानों के ने अपने उत्पादित धान नवंबर में बिक्री की थी, उसके पैसे अभी तक नहीं मिले। और साथ ही साथ सरकार की दोहरी नीति, रामेश्वर उरांव जी ने घोषणा किया कि ये गीली है वो नहीं खरीदेंगे, तो कुल मिलाकर के किसान आज ओह पोह की स्थिति में, किसान परेशान है, किसान फिर से बीज डालने की स्थिति में, बिचड़ा डालने के अति में, और आज वो कर्ज से परेशान है। किसानों के कर्ज माफ़ी की बात राज्य की सरकार ने की थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो भी आज कर्ज माफ़ी नहीं हुआ। और दुर्भाग्य से आज की जो सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार, किसान विरोधी है, जन विरोधी है, और किसानों को वाजिब हक दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसानों के साथ मिलकर के जमी पर, खेतों में, खलिहान में बैठ कर के आंदोलन करने का आह्वान किया। किसानों का अगर इसके बाद भी कुछ नहीं होता तो क्या भाजपा आगे किस तरह का आंदोलन करेगी? अभी तो कोरोना का गाइडलाइन है, थोड़ा इनको ख़त्म होने दीजिए, फिर हम इन सरकार को घेरने का काम करेंगे, सड़क पर, सदन में, दोनों स्थानों पर इनको घेरने का काम करेंगे। और झारखंड का किसान बेसहारा नहीं है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, और जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। आगे से हट जा, ए तो पूजा आगे से थोड़ा पीछे। क्या जाएंगे क्या फोटो खींचा? किसान
फोटो ले लिए। चलिए देखिए यहाँ